नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल पोल के लोल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में अधिकारों के ऊपर। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान में अधिकारों की। ये हमारा दूसरा चैप्टर है 11th क्लास की NCERT की बुक भारतीय का संविधान सिद्धांत और व्यवहार की। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं, भारतीय संविधान में अधिकारों की बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम अधिकार से। तो भारतीय संविधान में कहीं भी अधिकारों का वर्णन नहीं किया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कहीं भी अधिकार को परिभाषित नहीं किया गया है। भारतीय संविधान में जो परिभाषित किया गया है वो मौलिक अधिकार को परिभाषित किया गया है। अधिकारों का वर्णन किया गया है। अब बात आती है कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं। तो मौलिक अधिकार वह अधिकार होते हैं जो व्यक्ति के जीवन, शब्दों पे गौर कीजिएगा, व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। जो व्यक्ति के जीवन के लिए आवश्यक होते हैं उन्हें हम मौलिक अधिकार कहते हैं। मौलिक अधिकार में जो है वो राज्य हस्तक्षेप नहीं करता। मौलिक अधिकार जो है वो हमें संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं। मौलिक अधिकार हमें जो है वो संविधान के द्वारा प्राप्त होते हैं ये हमें, इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता। मौलिक अधिकार व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक होता है। मौलिक अधिकार जो है वो साधारण अधिकारों से कई गुना अलग है, क्योंकि मौलिक अधिकार में जो चीज़ें दी गई है वो साधारण विधायक में नहीं है। मौलिक अधिकार में जो परिवर्तन किया जाता है वो सिर्फ संविधान को बदल कर ही परिवर्तन किया जा सकता है, लेकिन जो साधारण अधिकारों में जो परिवर्तन कराया जाता है वो विधानमंडलों के द्वारा किया जाता है। मौलिक अधिकार की जो रक्षा है वो संविधान खुद करता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा तो संविधान खुद करता है, लेकिन जो साधारण अधिकार की बात होती है उनकी रक्षा साधारण कानूनों के द्वारा करी जाती है। अब हम बात करेंगे कि मौलिक अधिकारों का संविधान में कैसे कैसे वर्णन किया गया है। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का वर्णन जो है वो 14 से लेके 32 अनुच्छेद तक किया गया है। 14 से लेके 32 अनुच्छेद तक भारतीय संविधान में किया गया है मौलिक अधिकार का वर्णन। हमारे मौलिक अधिकार जो है वो 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहला अधिकार जो हमारा है समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शिक्षा का अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा हमारा संवैधानिक उपचारों का अधिकार, छठा जो है वो शोषण के विरुद्ध अधिकार। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। अब इन मौलिक अधिकारों को अनुच्छेदों के अनुसार हम देखते हैं कि कैसे कैसे वर्णन किया गया है। तो सबसे पहला हमारा अधिकार होता है समता का अधिकार, जिसे हम समानता का भी अधिकार कहते हैं। समता का अधिकार, इसका वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 में किया गया है। दूसरा हमारा आता है स्वतंत्रता का अधिकार। इसका वर्णन हमने 19 से लेके 22 तक में किया है। अनुच्छेद 19 से 22 में हमारा स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है। तीसरा हमारा आता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण
के विरुद्ध अधिकार, विरुद्ध अधिकार। और जो इसका वर्णन किया गया है वो 23 से 24 के बीच में किया गया है। शोषण के विरुद्ध के अधिकार का वर्णन हमने 23 से 24 में किया है। और जो चौथा अधिकार आता है हमारा वो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार आता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और जो इसका वर्णन किया गया है हमने वो 25 से लेकर 28 में किया है। हमने जो इसका वर्णन किया है वो 25 से अनुच्छेद 28 तक में किया है। और जो पांचवा है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार। और जो इसका वर्णन किया गया है वो 29 से 30 में किया गया है, 29 से 30 में। और जो आखिरी है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, अधिकार। इसका वर्णन अनुच्छेद 32 में किया गया है। हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। सबसे पहले समानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, छठा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इनका वर्णन समानता के अधिकार का वर्णन अनुच्छेद 14 से 18 के मध्य में किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22, शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 से 24, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार 29 से 30, संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में किया गया है। ये 6 के 6 हमारे जो हैं वो हमारे मौलिक अधिकार हैं, संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं। अगर इसमें परिवर्तन करना पड़े तो संविधान में परिवर्तन करना पड़ेगा। इसका परिवर्तन करना आसान नहीं होता, साधारण अधिकारों का परिवर्तन करना काफी ज्यादा आसान होता है, लेकिन मौलिक अधिकार में परिवर्तन करना आसान नहीं होता। तो ये हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं जिसकी चर्चा हम अपने अगले क्लास में करेंगे। हम एक एक अधिकारों को सेपरेट तरीके से क्लास में वर्णन करेंगे अपने क्लास में। हर एक अधिकारों पर एक नई वीडियो आएगी जिसमें हम वर्णन करेंगे हर एक अधिकारों का। तो दोस्तों लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर आप नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।